जवान को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सिरसागंज क्षेत्र के गांव नगला नरैनी के अशोक कुमार पुत्र श्री रामदास सिंह उम्र 55 वर्ष झारखंड के गिरिडीह में सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, जिनकी 27/9/2020 को हार्ट अटैक से मृत्यु। थाना क्षेत्र के गांव नगला नरैनी निवासी अशोक कुमार पुत्र रामदास सिंह सीआरपीएफ में 1991 में रामपुर में भर्ती हुए थे। हाल तैनाती झारखंड के गिरिडीह में थी। 55 वर्षीय अशोक कुमार की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के पुत्र दीपक ने बताया कि 2010 में नक्सलियों द्वारा हमले में बुरी तरह घायल हो गए थे। मृतक की पत्नी सपना देवी, पिता रामदास सिंह, पुत्र दीपक, पुत्री निशा का रो रोकर बुरा हाल है। उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव नगला नरैनी में लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई की गई। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप यादव, SDM सिरसागंज एकता सिंह, क्षेत्र अधिकारी सिरसागंज इंदु प्रभा, थाना प्रभारी सिरसागंज गिरीश चंद्र गौतम और प्रशासन के आला अधिकारी तथा क्षेत्र की तमाम जनता मौजूद रही। सूर्य प्रताप सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। भैया क्या नाम है? दीपक कुमार। पापा मेरे सिविल बटालियन सीआरपीएफ में झारखंड में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में तैनात थे, तो उन्हें 2 दिन से टाइफाइड पर था, लेकिन अभी जिस दिन बात हुई लास्ट दिन परसों, तो लगभग 26 तारीख को, तो उस दिन वो लगभग ठीक थे, थोड़ी वीकनेस थी उनको, लेकिन रात में बात हुई नहीं। सुबह फ़ोन आया वहाँ से असिस्टेंट कमांडेंट का, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हार्ट अटैक पड़ा है उनके, और गिरिडीह सदर अस्पताल था जो, वहाँ पे एडमिट किए गए थे। बस यही न्यूज़ आई थी वहाँ से।